साल भर में कुल 24 एकादशी पड़ती हैं। सभी एकादशी का अपना महत्व होता है। भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को परिवर्तनीय या जल झूलनी एकादशी कहा जाता है। इसे विशेष फलदायी माना गया है। मान्यता के अनुसार एकादशी के दौरान भगवान विष्णु प्रसन्न मुद्रा में रहते हैं। भक्ति भाव से पूजा अर्चना करने पर सभी मनोकामना पूरी करते हैं। एकादशी में विष्णु भगवान के बामन रूप की पूजा की जाती है। परिवर्तनी एकादशी का व्रत 25 सितंबर को रखा जाएगा। इसी दिन झारखंड का सबसे प्रसिद्ध कर्मा पर्व भी मनाया जाता है। इस एकादशी को करने से सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। मान्यता है कि इस दिन माता यशोदा ने जलाशय में जाकर कन्हैया के वस्त्र धोए थे, इसीलिए इसे जल झुलनी एकादशी भी कहा जाता है। वहीं अगर आप इस दिन व्रत रख रहे हैं तो भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करते हैं तो जीवन में आने वाले तमाम तरह के कष्ट समाप्त हो जाते हैं और माता लक्ष्मी की कृपा से धन लाभ की प्राप्ति होती है। इस एकादशी को विशेष फलदायी माना जाता है क्योंकि इस दिन रवि योग और सर्वार्थ सिद्धि योग का भी निर्माण हो रहा है। आपको बता दें कि परिवर्तनी एकादशी का शुभ मुहूर्त क्या रहने वाला है। भाद्रपद के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि की शुरुआत 25 सितंबर दिन सोमवार को सुबह 4:36 से हो रही है। इस तिथि का समापन अगले दिन 26 सितंबर सुबह 5:12 पर होगा। वहीं उदया तिथि 25 सितंबर को माना जा रहा है। इसके लिहाज से एकादशी का व्रत 25 सितंबर को रखा जाएगा। videorex.jeevanjali.com। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल जीवांजलि को सब्सक्राइब करें।